बीएसपी ट्रक ट्रेलर स्टेट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों सदस्यों द्वारा खुर्सीपार गेट के समीप प्रदर्शन किया गया। ट्रांसपोर्टर बाहरी ट्रांसपोर्टरों को बीएसपी द्वारा काम दिए जाने से आक्रोशित हैं। लोकल ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि बीएसपी की इस नीति से गाड़ी मालिकों ड्राइवरों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। बीएसपी ट्रक ट्रेलर स्टेट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा शुक्रवार को काला दिवस मनाया गया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ट्रांसपोर्टरों वाहन चालकों परिचालकों के साथ खुर्सीपार गेट के समीप धरना प्रदर्शन किया। एसोसिएशन ने बीएसपी प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा अब खोल दिया है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि बीएसपी में जो भी ट्रांसपोर्टेशन का कार्य हो रहा है उसमें स्थानीय ट्रांसपोर्टरों को काम नहीं मिल रहा है, जिससे 1,500 से ज़्यादा ट्रांसपोर्टर उनसे जुड़े ड्राइवर कंडक्टरों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो चुकी है। भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन स्थानीय ट्रांसपोर्टरों की उपेक्षा कर रहा है। धरना प्रदर्शन की जानकारी एसोसिएशन के संरक्षक प्रभुनाथ मिश्रा और अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह छोटू ने दी। जब से भिलाई स्टील प्लांट से माल निकलना शुरू हुआ है, भिलाई स्टील प्लांट से माल निकालने का काम लोकल ट्रांसपोर्टर करते हैं, लोकल गाड़ियां करती हैं। 1,000 से 2,000 गाड़ियां, 1,500 गाड़ियां हैं और लोकल टोटल मिला के 2,000 गाड़ियां हैं जो भिलाई स्टील प्लांट से माल निकालने का काम करती हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कोविड के बाद बाहर की कुछ पार्टियों ने माल यहाँ खरीदना शुरू किया और लोग थोड़ा घरों में दुबके हुए थे, उसका फ़ायदा उठा करके अपने कुछ दलालों के माध्यम से, जिनको लिफ्टर कहते हैं, उनके माध्यम से बाहर की गाड़ी डायरेक्ट निकाल कर माल ले जाने लग गए। और धीरे धीरे स्थिति होगी, पिछले 6 महीने से लोकल गाड़ियां 1,500 गाड़ियां सड़क पर खड़ी हैं। आप इंडस्ट्रियल बेल्ट में जाओगे, कहीं जाओगे, गाड़ी खड़ी मिलेगी? गाड़ी कहाँ खड़ा करें? ज़मीन पर गाड़ी खड़ी करनी है तो बोलते हैं हर जगह सड़क जाम है, सड़क धीरे जाम है, काम नहीं है। 1,500 गाड़ियाँ रोज़ खड़ी हो रही हैं 6 महीने से। अब उनके समझ लीजिए ड्राइवर हैं, हेल्पर हैं, क्लीनर हैं, दुनिया भर के लोग हैं, ट्रांसपोर्ट चलाने वाला है, सब लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं, क्योंकि बाहर के लोग डायरेक्ट माल लेके चले जा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ तक भिलाई स्टील प्लांट में ये व्यवस्था है कि प्लांट से बाहर माल निकालने का काम लोकल गाड़ियाँ, लोकल ट्रांसपोर्टर करते हैं। चाहे इसको में जाइए, टिस्को में जाइए, जिंदल में जाइए, नगरनार चले जाइए, राउरकेला चले जाइए, बोकारो चले जाइए, विशाखापट्टनम जाइए, हर जगह। और भिलाई स्टील प्लांट में भी ये चलता रहा है, लेकिन 6 महीने से ऐसा कर दिया है कि सब बाहर के लोग माल लूट रहे हैं। हर जगह मीर जाफर और जयचंद की संतान हैं, कुछ लोगों को मिला लिया, लिफ्टर बना लिया और अपना बाहर के लोग माल लूट रहे हैं, ले जा रहे हैं, यहाँ के लोग बेरोजगार पड़े हैं। हमें इस बात का चूँकि बड़ा गर्व भी अच्छा भी लगता है कि छत्तीसगढ़ शासन की ये नीति बनी है कि लोकल लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता मिले, काम मिले। इसका परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी है, 10.6%। और हम शासन से मांग कर रहे हैं, प्रबंधन से मांग कर रहे हैं, हमें प्रतिरोध कर रहे हैं कि हमें काम मिलना चाहिए। 40 साल से भिलाई स्टील प्लांट में जैसे काम चलता रहा माल निकालने का, लोकल लोगों को काम मिलता रहा, वो काम उनको मिलना चाहिए। इस बात की भी खुशी है कि लोकल जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, भाजपा के हों, अन्य दलों किसी तरह के हों, सब लोगों ने हमको नैतिक समर्थन दिया है और कहा है आपकी मांग जायज है, हम इस मामले में आपके साथ हैं। आज सेल प्रबंधन ने बातचीत करने के लिए ट्रांसपोर्टरों को बुलाया है। आज हम सब इकट्ठा होकर यही दिखाना चाहते थे कि दुनिया देख ले कि भिलाई स्टील प्लांट हमारे घर में है, हमारे आंगन में है। भिलाई स्टील प्लांट को सब कुछ हमने दिया है, छत्तीसगढ़ के लोगों ने दिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ के ट्रांसपोर्टरों को काम न मिल करके पैसे के दम पर कुछ लोग बाहर के बाहर माल ले जा रहे हैं। वो प्रथा बंद होनी चाहिए। जो प्रथा 40 साल से चल रही थी वही चालू रहनी चाहिए। मेरा स्टील प्लांट में पहले लोकल ट्रांसपोर्टर को, लोकल गाड़ी को काम मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। हम आप लोगों का भी आशीर्वाद और सहयोग चाहते हैं। आज हमारी यूनियन बीएसपी ट्रक ट्रेलर स्टील ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन काला दिवस मना रही है कि हमारे लोकल लोगों को काम नहीं है, लोकल लोग बेरोजगार घूम रहे हैं और बाहरी ट्रांसपोर्टर यहाँ से आके माल ले जा रहे हैं। गुजरात की गाड़ी, महाराष्ट्र की गाड़ियाँ और MP की गाड़ियाँ डायरेक्ट आज प्लांट में लग रही, जो 40 साल से नहीं लगती थी। कोविड के बाद से कुछ लोगों ने अपनी मोनोपोली बना ली है, कुछ लिफ्टरों के द्वारा, कुछ दलालों के द्वारा, जो माल डायरेक्ट यहाँ से बाहर ले जा रहे हैं। उसका विरोध के लिए हम लोगों ने ये आज 10 दिन से काम बंद किया हुआ है। हमने 16 तारीख से स्ट्राइक पे, हम लोग आज 26 तारीख हो गई। आज हमें प्रबंधक का कल फ़ोन आया था कि आप आके हमसे मिलिए और अपनी मांगे रखिए, अभी हम जाएंगे उनसे मांगे रखने के लिए, उसके बाद जो भी डिसीजन होगा फिर आप लोगों को बताया जाएगा। और इसमें हमारे साथ लोकल जो यहाँ के छत्तीसगढ़ लेवल की अपनी ट्रेलर एसोसिएशन है वो भी हमारे साथ है, उनके संरक्षक बैठा जी भी हमारे साथ आए हुए हैं, हमें समर्थन करने आए हुए हैं
यहाँ के हर आदमी तैयार है, हर लोग लाइन का ट्रांसपोर्टर भी तैयार है, लोकल ट्रांसपोर्टर भी तैयार है, सिर्फ कुछ दलाल और कुछ लिफ्टरों को छोड़ के जिन्हें कमीशन मिलता है, जिन्हें कमीशन के कमाने के लिए हम सबका पेट मार रहे हैं। आज 1500 गाड़ी है, 1500 गाड़ी में कम से कम एक गाड़ी से 10 परिवार चलता है, 10 लोग, हेल्पर, ड्राइवर, गाड़ी मालिक, आरटीओ एजेंट, पेट्रोल पंप, अपना पंचर वाला, स्पेयर पार्ट्स वाला, सब बेरोजगार हैं। गाड़ियाँ हमारी खड़ी हैं, हमारे लोग टैक्स पढ़ाने लायक नहीं है, घर में राशन भरने लायक नहीं है, टैक्स तो छोड़ ही दीजिए। जो एक एक गाड़ी, दो दो गाड़ी के मालिक हैं, आज वो अपने घर में राशन नहीं भर पा रहे हैं, गाड़ी का टैक्स तो छोड़ ही दीजिए। रेवेन्यू भी प्रभावित हो रहा है और यहाँ का रोजगार भी प्रभावित हो रहा है। प्लांट लोकल में ही है पर प्लांट और लोकल लोगों को रोजगार नहीं दे रहा है, डायरेक्ट माल बाहर भेज दे रहा है और बाहर के ट्रांसपोर्टर डायरेक्ट गाड़ी लाके माल ले जा रहे हैं यहाँ का, जो पहले नहीं होता था और इंडिया में कहीं भी नहीं होता है। आज आप दिल्ली राजरा चले जाइए, वहाँ के एसोसिएशन में आप बाहर की गाड़ी लगा के दिखा दीजिए, नहीं लग सकती। जगदलपुर चले जाइए, वहाँ बाहर गाड़ी नहीं लगा सकते। अब बोकारो चले जाइए, आप वहाँ नहीं लगा सकते। खाली ये भिलाई स्टील प्लांट में एक ये प्रथा चालू हुई है अभी, जो पहले नहीं थी, कोविड के बाद से ये प्रथा चालू हो गई है। यहाँ पर स्ट्राइक जारी रहेगी हमारी जब तक हमारी मांगे पूरी, रोजगार नहीं मिलेगा, जब लोगों को खाने नहीं मिलेगा तो स्ट्राइक तो होगी, जब लोगों का पेट भरा रहेगा तो कभी स्ट्राइक होती नहीं है, जब खाने नहीं मिलेगा तो स्ट्राइक तो में बैठेंगे लोग। गौरतलब है कि लंबे वक्त से स्थानीय ट्रांसपोर्टरों की गाड़ियों के पहिए थमे हुए हैं, जिससे इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल इस आंदोलन से इनकी मांग पूरी हो पाती है अथवा नहीं, यह देखने वाली बात होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।